दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रशियन राइटर एंटन चेकव की एक और शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट। बड़ी कमाल की स्टोरी है दोस्तों। इससे पहले मैं द बैट, द प्रपोजल और द बैगर, इस टाइप की स्टोरीज कवर कर चुका हूँ एंटन चेकव की। एंटन चेकव, हमको पता है, बड़ी लार्ज क्वांटिटी में इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, शुरू करते हैं। शाम का वक्त था, मोटी गीली बर्फ धीरे धीरे पड़ रही थी, गलियों के लालटेन जल रहे थे, उन पर छतों पर बर्फ की सॉफ्ट थिन लेयर्स बन गई थी, घोड़ों की पीठ पर, लोगों के शोल्डर्स पर, हैट्स पर, चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। तो एक कैब ड्राइवर था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, आयोना नाम था उसका। बड़ा सफ़ेद सा हो रखा था बर्फ से, देखने में एकदम भूत की तरह लग रहा था। वो झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था जितनी एक ह्यूमन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा झुक सकती है। अपने बॉक्स पर बैठा हुआ था। अब बर्फ चाहे जितनी भी इस पर गिरती रहे, ये मूव नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये ज़रूरी नहीं समझता उस बर्फ को खुद से हटाना। ये रशिया है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, ठंडा इलाका है। तो इसका एक छोटा सा घोड़ा भी था, वो भी पूरा सफ़ेद हो रखा था, उस पर भी बर्फ जमी हुई थी, वो भी एकदम मोशनलेस था। वो ऐसे खड़ा था बिना हिले डुले। उनको देखकर लग रहा था दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अगर ये स्टोरी सुनने वालों को भी अगर उनके घर से माहौल से निकाल कर इस माहौल में रख दिया जाए ना, तो ऐसी लाइट्स, लगातार आवाज़ के माहौल में लोग बस जल्दबाजी में लगे हुए हैं, तो आप भी ये चीज़ देखकर गहरी सोच में डूब जाओगे। तो आयोना और उसका छोटा सा घोड़ा बहुत लंबे टाइम तक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। शाम की धुंध इस टाउन पर धीरे धीरे उतर रही थी। इन गलियों के लैंप्स की सफ़ेद लाइट सूरज की ब्राइट किरणों की जगह ले रही थी। गलियों का शोर अचानक से बढ़ने लगा। कैबी, एक आदमी ने चिल्लाकर आयोना से पूछा। वाइबर्ग वे जाओगे, ऐसा पूछा। तो आयोना कूद कर खड़ा हुआ। उसने अपने बर्फ़ से ढकी हुई पलकों से उस ऑफिसर की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था, ओवर कोट पहने, ग्रेट सा कोट पहने, सर पर अपने कुछ हुड सी कोई टोपी सी डाल रखी थी। वाइबर्ग वे, ऑफिसर ने फिर से पूछा। सो रहे थे क्या तुम? वाइबर्ग वे चलोगे? तो आयोना ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए उस घोड़े की लगाम उठाई, और उसे उठाने के बाद घोड़े की बैक पर और गर्दन पर जो बर्फ़ लगी हुई थी वो गिर गई फिसल कर। वो ऑफिसर एक लंबी सांस भरता हुआ गाड़ी की सीट पर बैठ गया, और आयोना ने अपने घोड़े को एनकरेज करने के लिए अपने मुंह से आवाज़ निकाली। घोड़े ने भी एक हंस की तरह अपनी गर्दन को बाहर खींचा और अपने पैरों को सीधा किया। अब आयोना की आदत थी कि वो चाबुक मारता था, हल्की सी चोट मारता था चाबुक से, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मारता था अपने घोड़े को। घोड़ा चल दिया। अब उसको पता नहीं कहाँ जाना है, जहाँ उसका मालिक लेके जाएगा। जैसे जैसे आयोना अपनी गाड़ी को चला रहा था, तो उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्या कर रहा है, लोग उससे पूछ रहे थे, कहाँ जा रहा है डेविल, राइट राइट राइट, सीधा चलना। पीछे बैठे ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता? राइट साइड रखो ना अपने घोड़े को। तभी एक कोचमैन उनके पास में से निकला अपनी प्राइवेट गाड़ी पर, अपनी बर्फ को झाड़ता हुआ और गुस्से में आयोना की तरफ देखता हुआ। तो पीछे बैठा ऑफिसर मजाक में बोला, कैसे लुच्चे लफंगे लोग हैं यहाँ पर। फिर आयोना ने पलट कर उस ऑफिसर की तरफ देखा, अपने लिप्स को हिलाने लगा जैसे वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तो ऑफिसर ने खुद से पूछा, क्या हुआ? फिर आयोना ने एक बहुत हल्की सी उसकी तरफ स्माइल दी और बहुत कोशिश करके उसके मुंह से कुछ निकला, साहब इस हफ्ते मेरा बेटा बैरन गुजर गया। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। अच्छा, कैसे है उसकी डेथ? ऑफिसर ने उससे पूछा। अब ये सुनते ही आयोना ने अपनी पूरी बॉडी पीछे की तरफ घुमा ली और बोलने लगा, पता नहीं, कह रहे थे कि बहुत तेज़ बुखार आया, 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में था और अचानक से गुजर गया। आगे देखो आगे, ऑफिसर ने उसे आगे देखने को कहा। तो सामने से एक आवाज़ आई, किसी शायद गाड़ी में वो टकराने वाला था, पागल हो गया है क्या कुत्ते, आंखों का इस्तेमाल कर, अभी मर जाते। पीछे बैठा ऑफिसर भी उससे बोल रहा था, जल्दी चलाओ नहीं तो कल तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा जल्दी चलाओ। अब उसने अपनी गर्दन घुमा ली, आगे की तरफ देख रहा था, घोड़े को चाबुक में मार रहा था। फिर बार बार उसने पलट कर कई बार पीछे ऑफिसर की तरफ देखा, लेकिन उस ऑफिसर ने पता है क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी आंखें ही बंद कर ली कि मैं तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसे ही चलते चलते एक बार के पास जाकर उसने ऑफिसर को उतारा। अब वहाँ जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया, फिर से वो मोशनलेस अकेला हो गया था। बर्फ़ उस पर गिर रही थी,
ढकने लगी थी। एक घंटे तक वो बैठा हुआ था। लगभग एक घंटे के बाद फुटपाथ से रबड़ के जूतों की चूचू करने की आवाज़ आई। तीन लोग झगड़ते हुए वहाँ पर आ रहे थे। तीन लड़के थे, दो तो लंबे थे एक छोटा था। छोटे वाले के कूबड़ निकला हुआ था। वो चिल्लाकर इससे बोले, कैबी पुलिस ब्रिज जाना है। तो आयाना ने फिर से अपने लगाम उठाई, मुँह से आवाज़ करने लगा। अब वो लोग बदले में इसको बहुत कम पैसे दे रहे थे, लेकिन इस बात पर इसने माइंड नहीं किया और चाहे जितने भी मिले वो बस अकेला नहीं रहना चाहता, जो भी मिले सब बराबर है। उसने इन लोगों को बैठाया। तीनों जने एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, धकेल रहे थे, बड़ी गंदी गंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। अब उस गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि तीनों बैठ जाएं, तो दो जने बैठेंगे एक जना खड़ा रहेगा। इन दोनों में बहुत खटपट होने के बाद ये तय हुआ कि सबसे छोटा वाला जिसके कूबड़ निकला हुआ है वो खड़ा रहेगा क्योंकि वो छोटा है। चलो अब हरी अप, वो बोला। तो जैसे तैसे करके उसने अपनी सीट ली। आयना की गर्दन पर वो सांस ले रहा था और बोला, जल्दी चलो। वो आयना को बोलता है चलती हुई गाड़ी में, ये कैब जो तुमने पहन रखी है पूरे पीटर्सबर्ग में सबसे बेकार टोपी है। तो आयना हंसकर बोला, हाँ ये सच है, थोड़ा जल्दी चलाओ। उनमें से एक बंदा बोला कि मेरा सर तो फटे जा रहा है, कल रात को मैंने 4 बोतल पी ली। तुम झूठ क्यों बोलते हो, ऐसा बोलकर वो आपस में लड़ने लगे। ऐसे में वो छोटा वाला आयना पर फिर से चिल्लाया, ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का, चाबुक का इस्तेमाल करो, जल्दी चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। आयना ने फील किया कि वो आदमी उसकी पीठ पर हाथ मार रहा था, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो चुपचाप सुन रहा था कि ये लोग पीछे बैठे उसकी इंसल्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा होने से धीरे धीरे उसका अकेलापन कम हो रहा था। वो नहीं चाहता था अकेला रहना, कोई ना कोई उसके साथ में ही हो, चाहे इंसल्ट करता रहे लेकिन साथ में हो। जब वो बातें कर रहे थे, आयना बहुत बार पीछे मुड़कर उनकी तरफ देख रहा था। उसको बस इंतज़ार था कि एक बार ये थोड़ी देर के लिए चुप हों, थोड़ी साइलेंस हो जाए इन लोगों के बीच में, तो मैं भी अपनी बात इन लोगों को बोलूं। फिर जैसे ही थोड़ी देर के लिए वह चुप हुए तो ये धीरे से बोला, इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया, हम सबको एक दिन मर जाना है। वो कुबड़ा चलाया खांसता हुआ, तुम अभी जल्दी चलाओ, ऐसे में हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे कभी। पर थोड़ी बहुत इन लोगों में बात होने लगी। ये लोग उस कैब ड्राइवर से पूछने लगे, आयना से पूछने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फिर वो हंसकर बोला, हाँ मेरी वाइफ है और एक मेरा बेटा भी था, इस हफ्ते गुजर गया और देखो मैं ज़िंदा हूँ। कितनी अजीब बात है ना, मौत गलत दरवाजे को खटखटाती है, मुझे ले जाने के बजाय मेरे बेटे को ले गई। वो पीछे मुड़ा, उन लोगों को अपनी बात बताने लगा कि उसका बेटा कैसे मरा। लेकिन एट दिस मोमेंट वो छोटा वाला सांस भरता हुआ बोला, थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए आखिर। उसके बाद वो लोग आयना की कैब से उतर गए और वो उन लोगों को देखता रह गया। वो लोग अंधेरे में गायब हो गए। एक बार फिर से वो अकेला हो गया, शांति में सोचने लगा, चिंता में यहाँ वहाँ देखने लगा कि इतने सारे लोग हैं, इन गलियों से जा रहे हैं, एक इंसान ऐसा नहीं है जो उसकी बात सुन सके। लोग तो उसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे। उसे लग रहा था उस वक्त कि उसके दिल में इतना दुख है, उसे ऐसा लग रहा था अभी अगर उसका दिल फट पड़ेगा तो उसमें से इतना दुख निकल जाएगा कि ये पूरी अर्थ उससे ओवरफ्लो हो जाएगी। लेकिन अभी इतनी रोशनी में भी कोई उसके दुख को देख नहीं पा रहा, वो भी तो किसी को दिखाता नहीं है। तभी एक कुली टाइप का आदमी इसको दिखता है, शायद ये इससे बात करने में इंटरेस्टेड हो। उससे जाकर पूछता है कि टाइम क्या हुआ है दोस्त, तो बोलता है 9 बज गए। लेकिन वो भी बोलता है, यहाँ क्यों खड़े हो तुम, मूव ऑन, यहाँ से जाओ, ये कोई खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पर। आयना आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा, यूज़लेस है लोगों से तो हेल्प मांगना। लगभग आधे एक घंटे बाद में वो देखने लगा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया। आज ज़्यादा कुछ कमाया भी नहीं था, वो सोचने लगा घोड़े को क्या खिलाऊंगा। तो उसको एक यंग कैब ड्राइवर दिखा। वो आदमी उठा, फिर उस आदमी से इसने जाकर पूछा, पानी पियोगे, पानी पीना है? अब ये सोचता है कि ये आदमी शायद इसकी बात सुन सकता है, तो ये इसको अपनी कहानी सुनाने लगा कि अच्छा सुनो, तुमको पता है मेरा बेटा गुजर गया इस हफ्ते हॉस्पिटल में, बड़ी लंबी कहानी है। आयना देखता है कि उसके वर्ड्स के क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं उस पर, तो वो सुनाता गया। लेकिन वो आदमी लेटा लेटा सो गया। अब आयना ने गहरी सांस ली और उसके दिल से बस एक ही बात निकली, जैसे जवान आदमी को पीने की तलब होती है, वैसे बूढ़े आदमी को अपनी लाइफ में बात करने के लिए कोई चाहिए। एक हफ्ता होने को आया था उसके बेटे को गुजरे हुए और अब तक प्रॉपरली वो किसी को इस बारे में बता भी नहीं पाया था। वो बताना चाहता था कि उसका बेटा बीमार कैसे हुआ, उसने कैसे सफ़र किया, कुछ बोले बिना ही वो मर गया, उसकी बेटी कैसे गाँव में ही रह गई, ये सब बातें बताना चाहता था। वो जानता था कि उसकी बातें सुनकर कोई गहरी सांस भी नहीं भरेगा, इससे तो अच्छा मैं किसी औरत को जाकर ये बात बताऊं।
वो कम से कम मुझसे ज़्यादा संपत्ति रखेगी। अब वो अपने घोड़े को देखने गया, खाने और सोने का टाइम हो गया था उसका भी। वो अपना कोट टांग कर अपने घोड़े के पास गया। आज वो अपने घोड़े को अनाज नहीं खिला सकता था, सूखी घास ही थी उसके पास में। वो उस घोड़े की ब्राइट आइज में देखकर बोलता है, आज तुम्हारी कॉर्न जितना मैंने नहीं कमाया, लेकिन ये सूखी घास है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, ढंग से ड्राइव भी नहीं कर सकता। आज अगर मेरा बेटा होता तो वो बहुत ही अच्छी चलाता गाड़ी, अगर वो ज़िंदा होता तो। हमें अकेला छोड़कर चला गया वो। पर वो कुछ मोमेंट के लिए चुप हो गया, कुछ बोला नहीं, और फिर से वो अपनी स्टोरी अपने घोड़े को सुनाने लगा। तुम्हारी भी माँ अगर तुमको छोड़कर चली जाए, तुमको कैसा लगेगा इस दुनिया में। वो घोड़ा चबा रहा था, सुन रहा था, अपने मालिक के हाथ पर सांस ले रहा था। आयना अपनी सारी फीलिंग्स बाहर निकाल रहा था उस वक्त, अपनी सारी स्टोरी अपने घोड़े को सुना रहा था। शायद इससे उसका दिल हल्का हो।